दोस्तों कैसे हैं आप सब, एक बार फिर से आप लोगों का बहुत बहुत स्वागत है। दोस्तों आज की वीडियो में मैं आप लोगों के साथ पांच ऐसे टिप्स को शेयर करूंगा, अगर आपके रूम का जो साइज़ है वो छोटा है और अगर आप उसमें कलर करवाने जा रहे हैं तो ये पांच टिप्स आप लोगों के लिए बहुत ही ज़्यादा हेल्पफुल रहेंगे। तो दोस्तों चलिए आज की वीडियो शुरू करते हैं। तो दोस्तों टिप नंबर वन के बारे में बात करते हैं। तो टिप नंबर वन में आपको ध्यान रखना है कि जब अगर आपका जो रूम का साइज़ है वो छोटा है और आप उसमें कलर्स करवाने जा रहे हैं तो जो भी कलर्स आप उसमें करवाएं वो लाइट टोन्स में ही करवाएं, क्योंकि लाइट टोन्स में अगर आप कलर्स को करवाते हैं तो वो जो है आपके रूम को स्पेशियस फील करवाएंगे। तो ये जो है आपके रूम के लिए बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी पॉइंट है। फिर अब बात करते हैं टिप नंबर टू के बारे में। तो इसमें देखिए क्या है कि कलर जो है जो भी आप यूज़ कर रहे हैं तो उसमें जो एलिमेंट्स भी आप ऐड कर रहे हैं अगर वो भी ऑलमोस्ट जो है वो सेम ही कलर के हैं तो इस कंडीशन में जो आपका जो रूम है वो स्पेशियस लगेगा छोटा साइज होने के बाद भी। तो दोस्तों इस चीज़ के लिए जो वाइट कलर है वो सबसे बेस्ट कलर है। फिर दोस्तों बात करते हैं टिप नंबर थ्री के बारे में, जिसका कि नाम है विंडो ट्रीटमेंट। अब इसमें आपको क्या करना है, अगर आपके रूम में विंडो आ रही है और जो भी आपके पेंट का जो भी कलर आपने चूज़ किया है और वही कलर जो है आप जो आपकी विंडो की जो पाइलिंग हो गई उसमें करवाते हैं, तो बेसिकली अगर इस तरीके का इंटीरियर आप करवाते हैं तो विंडो जो है उसके अंदर ही आ जाएगी और आपके आइस को इल्यूज़न हो जाएगा और आपको अपने रूम का जो साइज़ है वो बड़ा लगेगा। बात करते हैं टिप नंबर फोर के बारे में, बहुत ही इंपॉर्टेंट टिप है जिसका कि आपको ध्यान रखना है। देखिए जैसे कि मैंने आपको बताया कि रूम में अगर आप लाइट कलर्स का यूज़ करते हैं तो आपका रूम जो है वो बड़ा लगेगा, और अगर आपके रूम में अगर हम बात करते हैं फर्नीचर के बारे में बात करते हैं तो सेम अगर आप रूल अप्लाई कर देते हैं फर्नीचर के अंदर तो ये बहुत ही ज़्यादा डिज़ास्टर क्रिएट कर देगा, क्योंकि अगर आपने लाइट कलर अगर फर्नीचर के ऊपर करवा दिया तो आपका जो फर्नीचर है वो बड़ा दिखेगा। तो फर्नीचर को छोटा दिखाना है आपको, तो उस कंडीशन के लिए जो है आपको फर्नीचर के ऊपर डार्क कलर का यूज़ करना है और आपका जो आपकी जो रूम की जो वॉल्स है उसमें आपको लाइट कलर का यूज़ करना है। फिर दोस्तों बात करते हैं टिप नंबर फाइव के बारे में, बहुत ही इंपॉर्टेंट टिप है। देखिए आपको पता है कि जो ब्लैक कलर होता है वो लाइट को एब्जॉर्ब कर लेता है। अगर आपके रूम का साइज छोटा हो और आप फिर भी ब्लैक कलर का यूज़ करना चाहते हैं तो आप हाई ग्लॉस में यूज़ करिए, क्योंकि अगर आप ग्लॉसी फिनिश यूज़ करते हैं तो लाइट का जो रिफ्लेक्शन है उसके अंदर होगा और ब्लैक कलर होने के बाद भी जो है वो इतना जो ज़्यादा है वो लाइट को एब्जॉर्ब नहीं करेगा, और जो आपका जो रूम का जो साइज़ है जो कि एक्चुअल अगर आप ब्लैक करते और आपका रूम का साइज़ छोटा लगता तो वो चीज़ जो है आपको ब्लैक होने के बाद भी जो है वो फील नहीं होगी। तो दोस्तों ये कुछ पांच टिप थे जो कि मैंने आप लोगों के साथ शेयर करे, अगर आपके रूम का साइज़ छोटा है और अगर आप उसमें जो पेंट करवाने जा रहे हैं तो अगर आप इन सब चीज़ों का ध्यान में रखते हैं तो आपका जो रूम है वो बहुत ही ज़्यादा अच्छा निकल के आएगा। तो दोस्तों आशा करता हूँ कि आपको मेरी जो वीडियो अच्छी लगी होगी, अच्छी लगी तो उसको लाइक कर सकते हो, अगर आपका कोई भी क्वेश्चन टॉपिक रिगार्डिंग तो आप नीचे कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं। मेरी वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, वंदे मातरम।